हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स मोटर्स जो कंपनी है ये कितना सैलरी प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू आपके क्वालिफिकेशन। लाइक यदि आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है, ITI डिप्लोमा या डिग्री इनमें से कुछ कर रखा आपने, तो आपकी क्या सैलरी रहेगी। यदि आपने 6 महीने 1 साल कहीं पर भी काम किया है तो फिर आपकी क्या सैलरी यहाँ पर मिलती है। या फिर दोस्त आप नॉन टेक्निकल से कुछ भी किए हो, BSc BCom BCA ऐसा कुछ करके रखे हो, तो यहाँ पर आपको कंपनी हायर करती है या नहीं करती। यदि हायर करती है तो क्या सैलरी रखती है, क्या सैलरी फर्स्ट फ्रेशर में आपको देती है। तो दोस्त आज यहाँ पर दोनों चीज़ क्लियर करेंगे, फ्रेशर में क्या सैलरी मिलता है इस कंपनी में, फर्स्ट पेमेंट कितना आपको मिलता है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या सैलरी मिलता है, क्या एक्सपीरियंस बंदों के कंपनी हायर करती है या नहीं करती, आप कंपनी में भर्ती कैसे होता है और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, सब कुछ इन टॉपिक्स पर भी थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो कंप्लीट देखिए, आपको सैलरी से रिगार्डिंग सारे इशू दूर हो जाएंगे और आपको कन्फर्म इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको फोर्स मोटर में क्या सैलरी मिलेगी यदि आप इस कंपनी को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्लियर बता देते हैं आपको कि यदि आप 10th 12th कुछ भी कर रखे हो, ITI डिप्लोमा डिग्री कुछ भी कर रखे हो, तो यहाँ पे भर्ती होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक अप्रेंटिसशिप में, और दोस्त एक ऑन रोल बेस में होती है कंपनी में। तो दोस्त आप किस बेस में जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। लाइक यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बस कैंटीन, जो बस है बस की सुविधा नहीं मिलती है, बट कैंटीन की सुविधा मिलती है। और यहाँ पर जो आपकी सैलरी है वो कॉन्ट्रैक्टर तय करता है, कंपनी आपको फुल पेमेंट ही करती है, बट कॉन्ट्रैक्टर के पास आता है, कॉन्ट्रैक्टर आपको पेमेंट करता है यदि आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में काम कर रहे हैं तो। और दोस्त यहाँ पर यदि आप ITI या डिप्लोमा कुछ भी हैं और डिप्लोमा ITI करने के बाद यदि आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किए हो, अप्रेंटिसशिप में आपको हो जाता है इस कंपनी में, तो आपकी सैलरी रहने वाली है 14,000 से 15,000 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पे मिलती है। अब दोस्त यहाँ पर यदि आप ओवर टाइम या फिर दोस्त आप फुल ड्यूटी करते हो, कंप्लीट 26 ड्यूटी करते हो, तो यहाँ पर आप कुछ बोनस भी, इंसेंटिव भी मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 1 साल बाद जो आपको क्या ग्रोथ मिलेगी यहाँ पे, तो ये कंपनी ज़्यादातर 1 साल के लिए ही बंदों को रखती है, 1 साल बाद ये खुद बाहर कर देती है यदि आप डिप्लोमा डिग्री कुछ भी इन बेस में घुसे हो तो। और यदि यहाँ पर एक टेस्ट भी होता है इस कंपनी में, अगर आप इस टेस्ट को क्रॉस कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो दोस्त आपको सैलरी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग्स लगा दी जाती है एक्सपीरियंस काउंट करके। तो अगर 15 है तो समझ लीजिए 20,000 से 22,000 रुपये अगर आप ऑन रोल हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा। अगर आप कहीं बाहर से 1 साल 2 साल का काम करके आते हैं तो इस कंपनी में यदि आप आते हो तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन करना पड़ेगा, कहाँ जहाँ कैंपस लगता है वहाँ से। अदरवाइज दोस्त आप गेट से आओगे तो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस भले है आपके पास, आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। हालांकि फ्रेशर की सैलरी रहती है बट एक्सपीरियंस बेस में आपको काम दे दिया जाता है वहाँ पे अंदर, बट सैलरी फ्रेशर की लगाई जाती है। अगर आपका काम अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो 1 साल बाद आपको ऑन रोल कर लिया जाता है। अगर आपसे काम आता है, आपका काम अच्छा है वहाँ पर, अटेंडेंस सही है, पूरा 1 साल आपने अच्छा एक मैनर और डिसिप्लिन दिखाया है वहाँ पर, काम अच्छा करके दिया है, तो वहाँ पे अनरोल होने के चांसेस हैं। अगर आप नॉन टेक की बात करें, BSc BCom BCA अगर इन बंदों की, तो इन बंदों का ज़्यादातर इस कंपनी में अनरोल होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप BSc BCom BCA हैं तो ये फोर्स मोटर ही एक ऐसी कंपनी हमने देखा है जो इन बंदों को भी हायर करती है, टेक्निकल होते हुए भी नॉन टेक बंदों को हायर करती है जो ऑटोमोबाइल से नहीं है, जिनका कोई लेना देना ही नहीं है आसपास ऑटोमोबाइल से रिगार्डिंग, बट इस कंपनी में हायर कर लेता है। और 1 साल एक्सपीरियंस के बाद आपको जो है ट्रेनिंग मिलती है 1 साल की, उसके बाद दोस्त आपको अनरोल होने का भी चांस रहता है अगर आप फोर्स कंपनी में आते हैं तो। तो आप एक बार जरूर ट्राई करिए, अगर आप BSc BCom BCA कुछ भी ऐसा कर रखा है आपने और कहीं जॉब नहीं मिल रही आपसे रिगार्डिंग, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग, तो आप इस कंपनी में आकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेल सेटिस्फाइड आपको सैलरी मिलती है और अटेंडेंस बोनस इंसेंटिव, अगर ऑन रोल होता है दोस्त आपका 1 साल बाद, आपको बस की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सब मिलने लग जाता है। हालांकि कैंटीन की सुविधा तब भी मिलता है जब आप ऑन रोल नहीं होते हैं, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टर वालों को भी कैंटीन की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्त यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऑन रोल वालों को ही कैंटीन की सुविधा मिलेगी, जो खाना ऑन रोल वालों को मतलब स्टाफ को मिलता है वही आपको भी मिलता है। हालांकि आयसर कंपनी में ऐसा नहीं है, आयसर कंपनी में जो स्टाफ का खाना है उसके लिए कैंटीन अलग है, VIP कैंटीन है, बट नॉर्मल जो वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर हैं, उनके लिए अलग कैंटीन है। तो फोर्स में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर पोस्ट की बात करें तो जो अगर आप 10th 12th बेस में आते हो, तो 10th 12th बेस में यदि आप आते हो दोस्तों, आपको जो है ऑपरेटर लेवल काम नहीं मिलेगा, हेल्पर लेवल का काम मिलेगा, जो कि ऑपरेटर के पास में जो हेल्पिंग हैंड होते हैं, जैसे कि बॉडी शॉप या मशीन शॉप, जहां पर भी काम चल रहा है तो वहां पर आपको एज अ हेल्पर कुछ काम दे दिया जाएगा। अगर आप ITI डिप्लोमा से आते हो तो दोस्तों यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में आपको रखा जाता है, अगर आप डिप्लोमा से आते हो तो आपको क्वालिटी में रखा जाएगा, क्वालिटी आप चेक करोगे, आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा 15 दिन की, उसके बाद आपको खुद रख दिया जाएगा वहाँ पर, आपको कमांड संभालनी पड़ेगी जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी। तो क्वालिटी के डिपार्टमेंट में आपको रखा जा सकता है अगर आप BTEC या डिप्लोमा कुछ भी कर रखे हो तो। इन दोनों का सैलरी की बात करेगा तो सेम ही रहता है, 1-2 हज़ार का फ़र्क रहता है, बट ITI डिप्लोमा में सैलरी में थोड़ा फ़र्क रहता है।
अगर फ्रेशर लेवल में 1 से 2 हज़ार का ही अंतर रहता है, आप ज़्यादा इसमें घबराओ नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का होता है और आप कंपनी स्विच करते हो तो ITI और डिप्लोमा में धरती आसमान का सैलरी का अंतर आता है, लाइक यानी कि 8 से 10 हज़ार का सीधा सैलरी में अंतर आ जाता है। डिप्लोमा वाले का 10 से 15 हज़ार बढ़ जाएगा डायरेक्ट, और जो ITI है उसका भी 5-6 हज़ार बढ़ता है, बट अगर आपके 15 से 20 हज़ार होगी तो उसका 20 से 35 हज़ार आराम से वो पहुँच जाएगा, अगर उसके पास 1 से 2 साल डिप्लोमा वाले के पास एक्सपीरियंस है। तो जो क्वालिफिकेशन का डिफरेंस है, एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, वो 1 से 2 साल के बाद ही फ़र्क पड़ता है सैलरी में। तो आप शुरू में तो बिल्कुल, आपको अगर ट्रेनिंग मिल रहा है इस कंपनी में तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करिए, और इसके बाद आप कंपनी स्विच भी करते हो तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है, क्योंकि ये कंपनी बाकायदे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो सर्टिफिकेट आपको लेना है, पूरा कंप्लीट 1 साल का ट्रेनिंग लेना है आपको। अब अगर हम बात करें बॉडी शॉप में काम कैसा है, मशीन शॉप में काम कैसा है, तो वर्कलोड तो हाईली है। अगर आप वर्क किए हो कभी तो कर लोगे, अगर नहीं किए हो दोस्त तो फिर तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे काम थोड़ा सा ज़्यादा है, हैवी लोड, मतलब कि अब काम जो करता है उसके लिए तो कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, वो काम करता ही है, लेकिन अगर आपने काम नहीं किया है, आपने स्टडी करके डायरेक्ट आपको काम में आना पड़ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा वर्कलोड पड़ेगा और आप नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगा। लेकिन आप यदि प्रैक्टिस करते हो कंटिन्यू 1-2 महीने कंटिन्यू थोड़ा कष्ट सहते हो तो आराम से कर लोगे। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है सैलरी से रिगार्डिंग्स, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाया करो यार, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अगर हम बात करें दोस्त अब पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो पोस्ट की इंक्रीमेंट दोस्तों तब होगा जब आप यहां पर 1 साल बाद परमानेंट हो जाओगे, ऑन रोल हो जाओगे, जब टेस्ट क्वालिफाइड करोगे, आपको कंपनी नोटिस करती है, जो सुपरवाइज़र है नोटिस करता है, उसके बाद वहाँ पर आपके पॉइंट जाते हैं, जितना भी पॉइंट है जिस भी रिगार्डिंग जिस सब बंदे काम कर रहे हैं, 1 से 2 बंदों को ही चूज़ कर लेती कंपनी। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।